हत्या के आरोपी को सरायपाली पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री विवेक शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंबुलकर साहू और SDOP सरायपाली श्री विकास पाटले के मार्गदर्शन में जिला महासमुंद के अपराध आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों को जिले में होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने और त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना सरायपाली में पदस्थ निरीक्षक आशीष वासनिक को ग्राम अमरकोट के ग्राम कोटवार के जरिए मोबाइल से सूचना मिली कि ग्राम अमरकोट में सरस्वती नाम की लड़की को उसके पिता अनंत राम भोई द्वारा टंगिया से मारकर हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना पर हमराह स्टाफ रवाना होकर ग्राम अमरकोट पहुंचे, जहां पर मृतिका मृत पड़ी थी, जो रात में अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गई थी और मृतिका सरस्वती भोई घर के पर्ची में सोई हुई थी। सुबह के करीब 5 बजे सरस्वती के चीखने की आवाज आई तो उठकर उसके भाई द्वारा देखा गया, जो इसके पिता अनंत भोई के हाथ में टंगिया था और हत्या करने की नीयत से उसकी बहन सरस्वती के गले और चेहरे में वार कर रहा था। तब अपने पिता के हाथ से टंगिया को छीना और अपनी माँ को बताया, जो वह भी कमरे में आ गई। सरस्वती खून से लथपथ थी। माँ कमला ने सरस्वती को हिला डुला कर देखा तो सरस्वती मृत अवस्था में पाई गई। फिर आरोपी वहाँ से फरार हो गया। थाना सरायपाली स्टाफ द्वारा ग्राम अमरकोट में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया और उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम अनंत राम भोई, पिता वासुदेव भोई, उम्र 45 वर्ष, निवासी अमरकोट, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद का होना बताया। अपराध कबूल करना पाया गया। आरोपी के कब्जे से उसके घर के कमरे से टंगिया बरामद कर थाना सरायपाली में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 164/2022 धारा 302 कायम कर आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। संपूर्ण कार्यवाही में ASI तिलक सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक 238 ललित पटेल, आरक्षक मानवेंद्र ढीड़ी, योगेंद्र बंजारे, कमल जांगड़े, ओम प्रकाश टंडन, अमित जायसवाल और समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा। सरायपाली महासमुंद से विवेकानंद दास, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।